A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be solving the specimen paper of English language for class 12 ISC as per their 2025 examinations. तो ये जो पेपर है हम लोग इसका एक ब्रीफिंग आज करेंगे जिसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि व्हाट काउंसिल एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू और जो इसका राइटिंग पोर्शन है वो हम लोग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे अलग अलग. ओके तो एवरीथिंग विल बी देयर इन द प्लेलिस्ट बाय द टाइम. तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दैट इज ऑफ 80 मार्क्स दैट इज ऑफ 3 आवर्स एंड यू विल गेट एडिशनल 15 मिनट्स ओनली फॉर रीडिंग द पेपर. एडिशनल 15 मिनट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सबसे पहले आप इसमें चूज करते हो कि आपको कौन सा ऐसे करना है अकॉर्डिंग टू योर ओन बेस्ट स्किल्स योर ओन इंटरेस्ट एंड द टॉपिक जो भी आप पढ़ते हो. उसके बाद ये जो 15 मिनट्स होते हैं इसी में ही आप एक ब्रीफिंग लेते हो कि हमें डायरेक्टेड राइटिंग और प्रपोजल राइटिंग में क्या क्या करना है या क्या क्या उसमें लिखना है. व्हाट पॉइंट शुड बी देयर इन ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोडक्शन हेडिंग सब में. ओके फिर उसके बाद आता है आपका फंक्शनल ग्रामर जिसको आपका एक्चुअल सॉल्यूशन आप इसी में कर लेते हो. जो बाद के टाइम होता है उसमें आप सिर्फ उसको लिख देते हो. और कॉम्प्रिहेंशन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें व्हाट यू डू इज कि इस टाइम पर जब आपको ये वाला टाइम पीरियड मिलता है एडिशनल 15 मिनट्स का तो कॉम्प्रिहेंशन यू आर सपोज टू रीड ट्वाइस. सबसे पहले जब आप पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ एक स्टोरी के जैसे आपकी नजरों के सामने कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें एक स्टोरी के जैसे पढ़ो और पूरे उसके जो भी क्वेश्चन है उसको भी पढ़ो. फिर दोबारा हम जाएंगे और फिर से हम कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग करेंगे. 15 मिनट्स बहुत सफिशियंट होते हैं आपको आपका पूरा कॉम्प्रिहेंशन नाइसली कंप्लीट करने के लिए. ओके तो अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको 15 मिनट्स मिलेंगे सिर्फ पेपर रीडिंग के लिए जिसमें यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग. You will not start writing during this time. इसके 7 printed pages हैं. Whenever you will get the paper, तो आप हमेशा पेज पलट करके देख लोगे कि okay, you have your question papers और सारी sheets उसमें हैं. ठीक है? फिर 4 questions in all हैं and you have to attempt all the questions. अब आता है the time management जिसमें लिखा हुआ है कि 45 minutes for question number 1 that is essay, 55 minutes for question number 2 जिसमें directed और proposal writing आता है, 30 minutes on question number 3 जिसमें functional grammar आती है और 50 minutes for question number 4. अब कुछ students होते हैं जो functional grammar एकदम पहले attempt करते हैं और essay को बिल्कुल last में करते हैं. Council आपसे ये चीज़ बोलता है कि essay को हमें कभी भी last में नहीं attempt करना चाहिए. आप ये everyone does so, मैंने भी किया है, आप भी ये करते हो. कई ऐसे students हैं जो ऐसे करते हैं but काउंसिल सेज कि वो नहीं करना चाहिए. वाई? बिकॉज आपका जो ऐसे होता है एक तो लास्ट में यू आर जस्ट वेरी क्विकली राइटिंग. ठीक है? अब खुद सोचो ना कि 20 नंबर का वो क्वेश्चन है जिसपे आपको आपके कंटेंट के बेसिस पर हो सकता है कि 15-18 नंबर मिल जाए अगर आप बहुत अच्छा पेपर लिखते हो. तो सिर्फ यही मैटर है कि लास्ट में हो सकता है कि आप उतनी लेंथ ना गैदर कर पाओ उतना कंटेंट ना गैदर कर पाओ. इसलिए जो स्टार्टिंग के 45 मिनट्स है उसी में ये लिखो. अगर आपको लगता है कि आपने 3 पेजेस तक लिख लिया है अराउंड, ठीक है, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू 3 पेजेस लिख दिया 45 मिनट्स अगर आपको लगता है हो गया 40 मिनट्स हो गए जस्ट लीव इट देयर. अभी भी लगता है कि हाँ और इसमें है जो मैं लिख सकता हूँ बस 45 मिनट्स होने पर उसको छोड़ दो वहीं पर ही. ओके सेम इज विद अदर क्वेश्चंस एज वेल कि अगर आपको लगता है कि हाँ 55 मिनट से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ज्यादा हो रहे हैं या फिर ठीक है आप उसको जल्दी कर लेते हो तो 50 मिनट जहां आपके खत्म होते हैं वहीं पर जस्ट लीव दैट मूव टू नेक्स्ट पार्ट. जब आप ऐसे 5-5 मिनट छोड़ते जाओगे सबके लिए तो यू विल गेट सफिशियंट टाइम जिसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो या फिर रिविजन कर सकते हो जो भी रह गया है. अब नेक्स्ट पार्ट बोला गया है दैट यू शुड बिगिन ईच आंसर ऑन अ फ्रेश पेज. मतलब 4 क्वेश्चंस आर देयर एवरी क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज चाहे वो ऐसे हो चाहे वो डायरेक्टेड राइटिंग हो प्रपोजल राइटिंग हो. डायरेक्टेड को भी अलग रखो प्रपोजल को भी अलग पेज पे रखो सुंदर लगेगा. ओके देन फंक्शनल ग्रामर आप एक ही पेज पे कर सकते हो मतलब उसके डिफरेंट पार्ट्स आप एक ही पेज पे कर सकते हो एंड द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट यू कैन डू ऑल्सो ऑन द सेम पेज. प्रेसी शुड बी डन ऑन द न्यू पेज फ्रेश पेज. फिर कुछ एडिशनल ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये दे आर सपोज टू बी रेड अलाउड बाय द इंस्ट्रक्टर जो भी है वहां पर.
ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज योर कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन ऐसे एक नॉर्मल ऐसे होता है कॉम्पोजिशन जिसमें आपके पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। देयर कुड बी आर्गुमेंटेटिव, देयर कुड बी स्टोरी, देयर कुड बी नैरेटिव। तो ये सारी चीजें इंक्लूसिव होती है कॉम्पोजिशन में। पोएम भी कॉम्पोजिशन का ही हिस्सा होता है। तो इसमें बोला गया है कि यू आर सपोज टू राइट इन 400 टू 450 वर्ड्स, मींस अराउंड, अगर हम एक पेज माने तो एक पेज में मेरे 150 वर्ड्स आ जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग समझो कि 3 पेजेस आर गुड इनफ फॉर एन एसे। फिर लिखा है कि यू हैव टू सपोज टू राइट ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है, अब ये जो सॉल्यूशंस है इसके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई विल बी सॉल्विंग इट सेपरेटली फॉर नैरेटिव, फॉर डिस्क्रिप्टिव, फॉर आर्गुमेंटेटिव, हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, ठीक है। सेपरेटली इट विल बी डन, राइटिंग पार्ट्स में ये जाता है। तो ये सारा आपको सेम प्लेलिस्ट में आईएससी 2025 एग्जामिनेशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में। ओके, तो अब इसमें लिखा हुआ है यू आर रिमाइंडेड कि आपको जो मैटर जो 20 मार्क्स है वो कैसे मिलेंगे। फर्स्ट यू शुड हैव ऑर्डरली एंड कोहेरेंट प्रेजेंटेशन। अगर आप कोई भी आर्गुमेंटेटिव कर रहे हो तो पहले आप कोई स्टेटमेंट दोगे, उसका एग्जाम्पल दोगे। एग्जाम्पल दे के स्टेटमेंट नहीं बताओगे। ऑर्डरली प्रेजेंटेशन उसी को कहते हैं, कोहेरेंट लॉजिकल प्रेजेंटेशन। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट स्टाइल, वेदर इट इज फॉर्मल इनफॉर्मल, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ नैरेटिव है तो कौन सी जानी चाहिए स्टाइल, एंड अगर आर्गुमेंटेटिव है तो कौन सी जानी चाहिए। उसके बाद आता है जनरल एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग, कि योर स्पेलिंग्स, पंचुएशंस और ग्रामर शुड बी करेक्ट सो दैट जो आंसर्स हैं वो सही जाएं। ओके, फिर इसके बाद इसमें लिखा हुआ है दैट द फर्स्ट वन, नाउ द फर्स्ट वन इज योर डिस्क्रिप्टिव एसे। डिस्क्रिप्टिव एसेज में नैरेटिव से ही अलग होते हैं। नरेशन में आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताते हो, डिस्क्रिप्शन में आपने जो चीजें देखी, जो सुनी, आप उसको डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। वो चीजें जो आपके सेंसेस को हिट करेंगे, चाहे वो आपकी आईज हो, चाहे वो आपका ईयर हो, चाहे वो आपके सेंस ऑफ स्मेल हो, ठीक है। तो सारी चीजें हिट कर रही होती। तो इसमें लिखा हुआ है कि यू हैड टू गो ऑन अ ट्रेन जर्नी विद योर फैमिली। तो अभी आपको जाना है, पहुंचे नहीं हो कहीं। जब आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, यू डिस्कवर कि जो ट्रेन है वो डिलेड है, 2 घंटा डिले, और ये आपको पता चला आफ्टर यू हैव रीच्ड द रेलवे स्टेशन। डिस्क्राइब, अब आप बताओ कि आपने वो जो 2 आवर्स है वो कैसे स्पेंड किए हैं। डिटेलिंग व्हाट यू सॉ, बताओ कि आपने क्या वहां पर देखा, जो साउंड आपने सुने और जो इंटरैक्शंस वहां पर, मान लो आसपास कुछ पीपल थे तो आपने उनसे इंटरैक्ट भी किया होगा, ठीक है। तो द पीपल यू इंटरैक्टेड विद जो आपके आसपास थे, आप अपनी फैमिली के साथ हो, प्लीज रिमेम्बर दैट। नाउ एक्सप्रेस योर फीलिंग्स जब आपने फाइनली देखा कि स्टेशन पर ट्रेन आपकी तरफ आ रही है। तो ये सारी चीजें यू हैव टू डिस्क्राइब इट, जिस ऑर्डर में पूछा गया उसी ऑर्डर में रखोगे। हाँ, लास्ट वाला पॉइंट शुड बी इम्पोर्टेंट कि हाँ ये चीजें मेंशन करनी है। ओके, अब काउंसिल आपसे इसके बारे में क्या कहता है, चलो हम उनके भी व्यूज पढ़ लेते हैं कि हाँ व्हाट दे एक्सपेक्ट। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जो आंसर की का हिस्सा इसमें दिया हुआ है कि ये एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, ठीक है। पहले ये देखो, द वर्ड लिमिट मस्ट बी एडहर्ड टू। अगर आपसे बोला गया है कि 400 टू 450 वर्ड्स, तो उनकी बात सुनो, उसके अकॉर्डिंग लिखो। एसे शुड नीदर एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट और फॉल शॉर्ट ऑफ इट, ना ही वो उससे ज्यादा होना चाहिए, ना ही 400 वर्ड से कम होना चाहिए। तो इसके लिए तो यू नीड टू प्रैक्टिस, क्योंकि राइटिंग हम ऑन एन एवरेज 150 वर्ड्स इन अ पेज बताते हैं, ठीक है। किसी की हैंडराइटिंग छोटी, किसी की बड़ी, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको खुद ही काउंट करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाउ दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है ये। कैंडिडेट्स जो हैं, दे कैन यूज एडजेक्टिव्स, जो भी वो देख रहे हैं उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स यूज कर सकते हो। जैसे ब्यूटिफुल का ऑब्जेक्टिव होता है गॉर्जियस, ठीक है, ऐसे करके वर्ड्स यूज कर सकते हो। ब्यूटिफुल इज इट सेल्फ एन एडजेक्टिव। साउंड जो उन्होंने सुने,
उसके बारे में, जो इंटरेक्शंस उनके हुए लोगों के साथ, उन सबके लिए वो सुंदर सुंदर से वर्ड्स वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं। दे मस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस हाउ दे फेल्ट जब उन्होंने देखा कि ट्रेन आ रही है। अब इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स मस्ट इलैबोरेट ऑन द की आइडिया हाइलाइटेड अबव। ये जितने भी हाइलाइट्स हैं उनको उसके बारे में ज्यादा इलैबोरेशन होना चाहिए। प्लीज नोट दैट ऐसे जो है वो पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। पास्ट टेंस इन द सेंस कि ऑब्वियसली आप कोई इंसिडेंट डिस्क्राइब कर रहे हो जो पहले ही हो चुका है। तो एवरीवेयर विल नॉट बी यूज्ड, वर विल बी यूज्ड, वाज विल बी यूज्ड, ठीक है। इन फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मींस आई एंड मी, ठीक है, माई सेल्फ, ऐसे करके ये जितनी भी चीजें होती है ये मेरी फर्स्ट पर्सन में आती है। सेकेंड पर्सन हो जाता है यू, थर्ड पर्सन हो जाता है ही, शी, दे, इट, ओके। तो उन्होंने बोला है कि ये फर्स्ट पर्सन में जाएगा डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, जो सेकंड क्वेश्चन है ऐसे का। वो आपसे कहता है ड्यूरिंग द लंच ब्रेक एक सरप्राइजिंग साइट अनफोल्डेड एज अ मंकी एंटर्ड योर स्कूल कैंपस। अब ये कौन सा हिस्सा है? दिस इज नैरेटिव, ठीक। नरेट योर एक्सपीरियंस, आपको अपने एक्सपीरियंस बताना है एज यू टुक चार्ज एंड गाइडेड जूनियर्स टू देयर क्लासरूम इंश्योरिंग देयर सेफ्टी। तो इसमें क्या बोला गया है कि आपको ये अपने एक्सपीरियंस बताना है कि कैसे यू, हाउ यू लेड एवरीवन, आपने कैसे उनको लीड किया, हाउ यू गाइडेड जूनियर स्टूडेंट्स जो छोटे थे आपसे, उन आपके क्लासरूम के। ऑब्वियसली यू आर इन क्लास 12, ठीक है, रिमेम्बर दैट। ये मत करना कोई सीनियर भी थे, आप ही क्लास के सीनियर हो, स्कूल के सीनियर्स हो, तो आपने ही सारे जूनियर्स को हैंडल किया, यू इंश्योर्ड देयर सेफ्टी। फिर इसी का ही वी विल स्टडी द आंसर की पार्ट। नैरेटिव एसेज, तो उसके लिए काउंसिल क्या कहता है, दैट कैंडिडेट्स मस्ट बिगिन एसे बाय रेफरिंग टू द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन। जो उनको क्वेश्चन दी गई है उसी सिचुएशन को रेफर करते हुए उनको अपना एक्सपीरियंस जो है वो नरेट करना है और बताना है कि दे टुक चार्ज, कि कैसे, कि कब उन्होंने चार्ज लिया वो पूरी सिचुएशन का, और कैसे उन्होंने हेल्प किया जूनियर्स को सो दैट वो सेफली उनकी क्लासेस में चले जाए। अब दिस इज इंपॉर्टेंट इटैलिक्स वाला पार्ट। Candidates are required to detail on the key points highlighted above. Again, आपको ये बताना है कि हाँ जो भी highlighted points है वो बताने। Please note that essay must be written again in past tense and in first person. यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर you know descriptive essays में आप चीजों को describe करते हो। अब जैसे अगर हम इसी narrative को डिस्क्रिप्टिव की तरह लें तो हम मंकी को डिस्क्राइब करेंगे, मंकी ऐसा था, मंकी वैसा था, बट यहाँ पर हमें वो नहीं करना है। हम अगर सिर्फ एक लाइन में मंकी की ब्रीड बता दें या फिर बता दें कि हाँ अब बिग मंकी, स्मॉल मंकी कैसा भी आया था, वो वहीं खत्म हो जाएगा। बट डिस्क्रिप्टिव में आप उसको ज्यादा हाईलाइट करते हो और नैरेटिव में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ एसे। तीसरा ऐसे जो है वो कहता है पेरेंट शुड नॉट इन्फ्लुएंस देयर चाइल्ड, देयर चिल्ड्रन व्हेन चूजिंग द सब्जेक्ट्स दे विश टू स्टडी। दिस इज अ वेरी हार्ड टचिंग टॉपिक, क्योंकि जब आप क्लास 11th में गए होगे तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन आपके साथ भी आई होगी। इवन कुछ आईएससी स्टूडेंट्स जब क्लास 9th में होंगे और उनको सब्जेक्ट चेंज करना होगा तब भी ये इश्यूज होंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए ऐसा, जब एक बच्चे को उसके सब्जेक्ट चूज करने हैं तो फॉर में बोलोगे तो बोलोगे कि नहीं करना चाहिए, और अगेंस्ट में बोलोगे तो लिखोगे कि करना चाहिए, लिखोगे आइदर ऑफ द वन ही। ओके, तो काउंसिल आपसे इसके लिए क्या बोलता है, वो आपसे कहते हैं थर्ड वाले में दैट कि ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक है एंड कैंडिडेट्स आर टू प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट्स ईदर फॉर या अगेंस्ट में आप इसके आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करोगे, कम से कम चार अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स और प्लस उसका एग्जाम्पल भी होना चाहिए। मतलब कि अगर आप कह रहे हो कि जैसे अगर पेरेंट्स करते, मतलब
फोर्स करते हैं, बच्चों को फोर्स करते हैं, तो व्हाट विल हैपन इज द चाइल्ड हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स विल सफर लॉट फॉर द होल ईयर, देन इवेंचुअली हिज रिजल्ट्स वुड बी हैम्पर्ड, और इसके कारण उसी का ही मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, द चाइल्ड कैन सफर एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज। ठीक है, तो ये हो गए उसके एक आर्ग्यूमेंट, और उसी का ही एक छोटा सा एग्जाम्पल कि हाँ देर आर स्टूडेंट्स इन माई क्लास हु वर एक्चुअली वेरी गुड वेन दे वर इन क्लास 9th एंड 10th, देन जस्ट बिकॉज कि दे डिडंट डू वेल इन क्लास 11th, नाउ देयर परफॉर्मेंस इज वर्सनिंग डे बाय डे। तो आप ऐसे करके एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जनरल भी दे सकते हो, छोटे मोटे भी दे सकते हो। देखो अब इसमें एग्जाम्पल, अब देखो क्या इसमें लिखा हुआ है, नोट करो दैट यू आर नॉट सपोज टू सिटिंग ऑन फेंस, मतलब दैट दोनों तरफ मत जाना कि ये अच्छाइयां होती हैं अगर पेरेंट्स फोर्स करते हैं, ये बुराइयां होती हैं अगर फोर्स करते हैं, नहीं आपको एक ही तरफ लिखना है। यू शुड बी वेरी क्लियर एंड प्रेफरेबली इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ आप बता दो कि आप उसके फॉर में हो या अगेंस्ट में हो। वंस स्टेटेड द स्टांस कैन नॉट बी चेंज, एक बार जब आप ये बता रहे हो दैट हम इस तरफ है, आई चूज टू बी फॉर, क्योंकि हाँ ये बहुत ट्रू स्टेटमेंट है, तो आप उसको चेंज नहीं करोगे, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट जो है वो उसी के अकॉर्डिंग ही देनी चाहिए। ओके इसके बाद आता है द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला जो है दैट इज द फोर्थ वन, द टॉपिक इज लाइफ। ठीक है, ये एक डिस्कर्सिव ऐसे है जिसमें आप जैसे जाओ वैसे करके उसमें स्टेटमेंट में लिख सकते हो, तो हम लोग इसका भी जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेते हैं। ओके तो ये क्या है, ये एक वन वर्ड टॉपिक है, किसी भी प्रकार का कॉम्पोजिशन चाहे एक शॉर्ट स्टोरी क्यों ना हो वो आप इसमें लिख सकते हो, until and unless it is connected to the word itself, word क्या था, life। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि अगर एक short story आप इसमें लिख रहे हो फिर it should be written on the topic, उसमें वो सारी चीजें होनी चाहिए। ये sixth वाले के लिए भी ये चीज same है, ठीक है, जिसमें short story में plot आपकी summary या आपका scene जो है वो किस चीज के बारे में, ऐसे setting कहाँ पर place हुई है वो, कैरेक्टर्स कौन है, और एक लॉजिकल एंडिंग भी इसमें होनी चाहिए। तो ये एलिमेंट्स आर नेसेसरी, चाहे आप ये वाला पॉइंट लो जिसमें आप मतलब एनीथिंग यू कैन राइट इन दैट, पर अगर आप स्टोरी, अगर आप शॉर्ट स्टोरी उसमें मेंशन कर रहे हो तो फिर आप उसमें ये सारे एलिमेंट्स डालोगे। सेम इज विद दिस वन, सेम इज विद द लास्ट वन, जो स्टोरी वाला पार्ट होता है उसमें। ओके फिर इसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट वन, दैट इज फिफ्थ वाला, दैट इज द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव एसेज। वो आपसे ये कहता है यू बिकम व्हेन यू रीड प्रेजेंट योर रिफ्लेक्शंस ऑन दिस स्टेटमेंट। अब इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, यू बिकम व्हाट यू रीड, जो आप पढ़ते हो वही आप बनते हो। ठीक है, whether it is good, whether it is bad, तो वही इसमें दिखा हुआ है कि that you have to tell your own reflections, आपको बताना है कि ये topic मतलब कैसा, how did you feel after this? तो ये एक reflective topic है, candidates को provide करनी है उनके views on the given topic, and you have to tell examples as well. It may be for or against the topic, और या फिर आप दोनों फेंस में भी बैठ सकते हो, आप उसकी अच्छाई भी बता सकते हो, आप उसकी बुराई भी बता सकते हो, पर इसमें कोई भी शॉर्ट स्टोरी कैन नॉट बी रिटन। हाँ एक और चीज आप इसमें लिख सकते हो, आप छोटे छोटे अम्यूजिंग एग्जाम्पल्स डाल सकते हो लाइफ अपनी और लाइफ स्टोरी या ओरिजिनल स्टोरी के, बट आप कोई भी उसमें स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते कि हम पूरी की पूरी स्टोरी ही इसमें लिखेंगे। ओके नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, दैट इज द लास्ट स्टोरी, दैट इज शॉर्ट स्टोरी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कहता है कि राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी दैट एंड्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है इसकी बिगनिंग नहीं, इसकी एंडिंग जो है वो इन वर्ड्स होगी। दैट इज व्हेन दे रियलाइज्ड दैट समटाइम्स द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज
बिगिन विद द सिंपलेस्ट ऑफ मोमेंट्स। तो ये आपको स्टोरीज पर लिखनी है, लेस अटेम्प्टेड आई फील लाइक ये होता है जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें व्हाट थिंग्स यू नीड टू राइट, यू हैव टू राइट प्लॉट, आपको इसकी एक सेटिंग, कैरेक्टर्स और डायलॉग्स और लॉजिकल एंडिंग इसमें आपको लिखना है। तो ये 5 एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। फिर आता है मेरा पार्ट ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग, जिसमें इस बार जो क्वेश्चन आया है दैट इज अ स्पीच, ठीक है। तो इसमें बोला गया है, एज अ हेड ऑफ एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स एट स्कूल, आपको एक स्पीच डिलीवर करनी है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, दैट इज ऑफ 15 मार्क्स एंड ऑन 5th जून। फिर आपको इसमें ये सारे पॉइंट जो है वो लिखने होंगे, दैट इज ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशन। जब आप गुड मॉर्निंग कर रहे हो तो गुड मॉर्निंग टू हु ऑल आर देयर, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, टीचर्स, प्रिंसिपल, जो भी है सबको आपको बोलना है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एंड पर्पस, मतलब आप यहाँ पर क्यों हो, क्यों आप आकर के यहाँ पर खड़े हो, आई एम हेयर टू डिलीवर स्पीच ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। की इश्यूज क्या है क्लाइमेट चेंज के, पॉल्यूशन के, व्हाट रोल स्टूडेंट्स कैन प्ले इन फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंक्रीट स्टेप्स, जो एक्चुअल स्टेप्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड टूवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल, एंड स्ट्रॉन्ग कॉल फॉर एक्शन, एंड कि हाँ अब हमें ये काम करना ही चाहिए। ओके, तो इसका पार्ट वी विल टेक इन द पार्ट ऑफ आंसर कीज। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो है दिस इज एन एक्सरसाइज ऑफ एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई करना किसी चीज को, बहुत ज्यादा डिटेल में इलेबोरेट करके बताना, क्योंकि ये एक स्पीच राइटिंग है, इट शुड इंक्लूड सैल्यूटेशन होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन आपका कंक्लूजन और थैंकिंग यू या थैंक यू एवरीवन, ऐसे करके जितने भी पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए। कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, बस हाँ ये दो चीजें हैं जो इसमें मांगी गई हैं कि आप उनको गुड मॉर्निंग और आई एम हेयर टू डिलीवर दिस स्पीच और सब्सक्रिप्शन इसमें होना चाहिए, बाकी सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए और इलाबोरेट होने चाहिए। फिर दूसरा हिस्सा आता है प्रपोजल राइटिंग का, और ये जो है इसका भी सॉल्यूशन हम लोग सेपरेटली करेंगे इन द पार्ट ऑफ स्पीच राइटिंग, ठीक है। देखना उसमें लिखा रहेगा ऑन दैट थंबनेल कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 2025 एग्जामिनेशंस। अब आता है इसके बाद प्रपोजल राइटिंग, एज अ स्कूल लीडर यू हैव बीन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल ट्रिप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, मतलब क्लास 11th और 12th के लिए यू हैव बीन गिवेन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करनी, कहाँ पर, टू अ प्लेस दैट इज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, राइट अ प्रपोजल इन अबाउट 150 वर्ड, जिसमें आप ये स्टेप बताओगे दैट यू आर नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज द ट्रिप, ठीक है। एंड दिस इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, दिस इज ऑफ 10 मार्क्स। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग। प्रपोजल जो है वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसमें 10-15 वर्ड्स का, ठीक है। फिर टू ऑब्जेक्टिव्स, फोर मेजर्स, जो उसका फॉर्मेट होता है वो होना चाहिए। जब आई विल व्हेनेवर आई विल सॉल्व दिस, सो पहले हम लोग फॉर्मेट इसका डिस्कस करेंगे। रेस्ट यू हैव मल्टीपल वीडियोस ऑन प्रपोजल राइटिंग, आप वो भी देख सकते हैं। दीज शुड बी रिटन इन कंप्लीट सेंटेंसेस एंड नॉट इन फ्रेजेस, छोटे छोटे फ्रेजेस के जैसे नहीं, जैसे कॉमर्स में स्टेटमेंट एडवांटेजेस के ऊपर जो हेडिंग होती है, ऐसे करके नहीं, पूरे स्टेटमेंट में होने चाहिए। टाइटल मस्ट बी सेंटर अलाइंड, बीच में लिखा जाता है, ठीक है, प्रपोजल फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रिप, और टाइटल जो है वो अराउंड 5 to 6 वर्ड्स का होना चाहिए। फिर आता है हेडिंग या इंट्रोडक्शन, शुड हैव मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस, ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटेंसेस होने चाहिए। द स्टूडेंट शुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक हियर With just a glimpse of what and how the plan can benefit the institution. फिर है objectives, उसमें कम से कम 2 points होने चाहिए, आप बढ़ा करके उसको लिख सकते हो। Objectives should be written in the form of a paragraph. Point wise इसको नहीं लिखना है। Student is supposed to introduce 2 distinct reasons. 2 reasons आप objectives में दोगे फॉर सच प्रपोजल, कि ये बेनिफिट्स हो सकते हैं
एज वेल एज जो मतलब जो स्टूडेंट जो जा रहे हैं उनको कैसे बेनिफिट करेगा और इंस्टीट्यूशन को कैसे बेनिफिट करेगा। ठीक है, फिर आता है लिस्ट ऑफ मेजर्स कि आप क्या क्या स्टेप्स लोगे उसके लिए। तो इसमें एटलीस्ट 4 इन नंबर्स होने चाहिए, कम से कम 4 पॉइंट। इट शुड बी अ कोहेरेंट प्लान, लॉजिकल प्लान ऑफ एक्शन जो आप प्रपोज कर रहे हो कि हाँ सेंसिबल होनी चाहिए व्हाइल सेटिंग अप योर क्लास। ट्राई टू यूज अ वर्ड मे इन योर लिस्ट ऑफ मेजर्स जस्ट बिकॉज कि यू प्रपोज अ लिस्ट ऑफ मेजर्स टू बी टेकन। ठीक है, फिर मतलब जैसे द क्लब मे हैव सच नंबर ऑफ सच पार्टिसिपेंट्स सच मेंबर्स, तो एवरीवेयर मे विल बी यूज। फाइनल डिसीजन जो है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पर है। द वर्ड्स नीड टू बी फॉर्मल एंड पोलाइट। फिर आता है कंक्लूजन, वन लाइनर स्टेटमेंट हो सकती है आपके प्रपोजल को एंड करने के लिए, एक लाइन में मतलब आप उसको लिख सकते हो। एंड पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू एक्सेप्ट योर ऑफर। ओके, नाउ ये दोनों पार्ट्स हो गए। इसके बाद वी विल मूव टूवर्ड्स, ये देखो प्रपोजल और डायरेक्टेड राइटिंग हो गई। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फंक्शनल ग्रामर। तो अब इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला यू हैव टू राइट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, जिसमें पहले आपको एग्जांपल दिए जाते थे, इस बार एग्जांपल नहीं दिया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है आई डोंट नो हेलेन वेरी मच, नेवर्थलेस आई लाइक हर। तो इन स्पाइट ऑफ द क्वेश्चन सेज, अब आपको यहीं से शुरू करना है। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ नॉट नोइंग, इसके भी आंसर कीज नीचे दिए हुए हैं। इन स्पाइट ऑफ नॉट नोइंग हुम हेलेन वेरी मच, आई विल यूज कॉमा, इसके बाद आई लाइक हर। ओके, फिर है सेकेंड क्वेश्चन सेज दे ओपन्ड द विंडो, और अब ये कितने मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है। इसमें आपको आंसर को रीराइट करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग एंड द टेंस। दे ओपन द विंडो बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट द स्मोक टू गो इन टू द किचन। दे ओपन द दे ओपन द विंडो वेट सो दैट the smoke would not go into the kitchen। ठीक है, so that यहां पर together ही होगा, जैसे कि इनकी answer keys में दिया भी हुआ है। फिर इसमें लिखा हुआ है next one, Chennai is bigger than most other cities। Very few Indian cities are as big as Chennai. Okay, very few Indian cities are as big as Chennai. फिर लिखा है इसमें, he was so old that he could be my father. He was old enough to be my grandfather। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें आपको देखनी होती हैं, बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं इसमें। फिर लिखा हुआ है द जज सेड टू द प्रोसिक्यूटर डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट्स प्रेजेंटेड येस्टरडे। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक ग्रामर ग्रामर के पोर्शन में आपको काफी चीजें मिल जाएंगी, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो आप चेक कर सकते हो ग्रामर की प्लेलिस्ट में। तो इसमें लिखा हुआ है द जज आस्क्ड, अब हमको इसको किस में चेंज करना है, ये डायरेक्ट फॉर्म में है, हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो जज आस्क्ड द प्रोसिक्यूटर इफ, डू है तो इट विल बी इफ ही अग्रीड विद द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड व्हेन
the previous night. Presented the previous night. Okay. The judge asks the prosecutor if he agreed with the arguments presented the previous night. Okay. फिर next आता है मेरा. अब देखो इससे पहले जो preposition वाला हिस्सा था उसमें तुम लोग को blanks मिलते थे. अभी एक incorrect part इसमें दिया है और you people have to write the correct form. ये आपके phrasal verbs ही हैं जिसके लिए आपको phrasal verbs से बहुत excellence पानी होगी. Again a few phrasal verbs के videos you will find in the playlist of grammar. ठीक है but still अब देखो ये जो हमने लिखा है यहाँ पर ये आपके आंसर की मीनिंग है. जो आंसर अभी हम लिखेंगे उसकी मीनिंग है. तो इसमें लिखा हुआ है द टीचर हैंडेड डाउन द रिपोर्ट कार्ड. सो इट विल बी द टीचर हैंडेड आउट द रिपोर्ट कार्ड. ठीक है तो आउट जब आउट हैंडेड आउट का क्या मतलब होता है टू गिव समथिंग टू ईच पर्सन. आई हैंडेड आउट द रिपोर्ट कार्ड मतलब मैंने दे दिया रिपोर्ट कार्ड. फिर है She handed in the business to her son. तो यहां पर क्या होगा She handed over the business to her son. मतलब pass करना ये चीज लो और तुम संभालो. ठीक है That is handed over. फिर the minister gave off the prizes. तो minister gave away. Give away सुना होगा आपने give away. वैसे ही gave away the prizes. मतलब कि कुछ भी as gift देना is known as give away. फिर नेक्स्ट चीज बोली गई है इसमें द डॉक्टर गेव अवे होप. ठीक है तो गेव अवे क्या हो जाएगा इट विल बी गिव अप. जैसे गिव अप होता है छोड़ देना किसी चीज को क्विट कर देना. तो दैट इज गिव अप होप व्हेन शी फेल इनटू द कोमा. अब पूरे स्टेटमेंट को रीड करना उसके बाद यू विल ओनली गेट टू नो कि हाँ ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है. ओनली इफ यू नो द मीनिंग्स ऑफ फ्रेजल वर्ड्स. अब आता है I had to pull over a tough situation to meet the project deadline. तो इसमें होगा I had to pull through. ठीक है E वाला. हाँ pull through. Pull through का मतलब होता है to survive a difficult situation. Then next is when will the Shatabdi Express pull up नहीं pull in. Pull in करना कि मेरी तरफ आना. कब आएगी वो to move towards you. फिर next one is Some seats are set for the handicap. Some seats are set. अब कुछ statements तो see phrasal verbs के कुछ चीजें तो आप पढ़ के ही समझ सकते हो कि handicaps के लिए रखी गई है seats. तो मतलब वो हटा करके रखी गई है. तो that is set aside करना. Save for a special purpose. कुछ चीजों को अलग से save करके रखना special purpose के लिए. Next is we immediately set for Fixing the roof, we immediately set about it. Set about मतलब to deal with something. किसी situation से deal करने के लिए you are setting about. फिर next is he ran around problems while fixing to try the helicopter. He ran into problems while fixing the to trying to fix the computer. और next one is He ran into president during elections last year. मतलब यहाँ पर होगा to compete करना. तो compete के लिए he ran for president. मतलब उसने compete किया president की seat के लिए. Okay. Now we will have the most मतलब आसान वाला part of functional grammar जिसमें usually marks मिल जाते हैं. अब देखो इसको जब आप लिखोगे verb के form लिखने इसमें जब आप देखते हो कि last summer या something like that है तो means it will be past tense और past form के verbs only. तो सबसे पहले लिखा हुआ है last summer Emily had been tirelessly working tirelessly on her garden. She had planted. Okay past tense की बात कर जा रही है जो चीज already हो चुकी है. She had planted a variety of flowers envisioning. NING envisioning हाँ a vibrant and colorful display every morning she would spend hours tending to the blossoms ensuring they were thriving under the warm sun one day while she was
एडमायरिंग, जब आप इसको पढ़ोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, वैसे नीचे इसके आंसर कीज दी हुई है। व्हाइल शी वॉज एडमायरिंग हर हैंडीवर्क शी नोटिस्ड अ रेयर बटरफ्लाई दैट हैड लैंडेड ऑन वन ऑफ द फ्लावर्स शी हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल स्पेसिमेन बिफोर एक्साइटेडली शी रैन इन टू द हाउस टू ग्रैब हर कैमरा होपिंग आईएनजी अगेन होपिंग टू कैप्चर द फ्लीटिंग मूवमेंट मोमेंट ओके बाय द टाइम शी रिटर्न द बटरफ्लाई हैड फ्लोन कोई भी चीज जो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुकी होती है दैट इज हैड फ्लोन डिसअपॉइंटेड एमिली रियलाइज्ड दैट शी हैड मिस्ड द अपॉर्चुनिटी हाउएवर द मेमोरी ऑफ दैट एल्यूसिव बटरफ्लाई लिंगर्ड इन हर माइंड एंड शी डिसाइडेड टू क्रिएट टू क्रिएट पहली चीज तो टू लगेगा देखो क्रिएट टू लगेगा ही ठीक है अभी आप इसको रीड करोगे तो और टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म जाएगा टू प्ले टू गो टू वर्क अ बटरफ्लाई कॉर्नर इन हर गार्डन मंथ लेटर एज एमिली वॉक्ड थ्रू हर गार्डन शी सॉ फेमिलियर फ्लटर ऑफ विंग्स द रेयर बटरफ्लाई हैड रिटर्न्ड ड्रॉन By the blossoms that had bloomed since her last encounter, grateful for the second chance, Emily captured the moment on her camera, cherishing the beauty that had eluded her once before. ठीक है तो जब इसको आपने एक बार सॉल्व कर दिया है तो यू कैन डू वन मोर थिंग आप चाहो तो पहले जब आप कट करते हो अक्सर क्या होता है कि आप कट कर लेते हो तो पहले एक बार जब सॉल्व करो तो इसको पेंसिल से कर दो इन योर कॉपी नहीं अगर करना है तो फिर आप कट कर सकते हो ओवर राइटिंग कर सकते हो दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू बट अगर आपको लगता है फिर जब दोबारा आप इसको रीड करोगे उन्हीं आंसर्स के साथ तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्योंकि दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट ठीक है नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन और इससे पहले जो फंक्शनल ग्रामर वाला हिस्सा था आप लोग उसकी मार्किंग देख लेते हैं तो इसमें मार्किंग्स कितनी है ये जो वाला पार्ट है फिलिप्स वाला दैट इज ऑफ 5 मार्क्स आपके जो प्रेपोजिशंस हैं जो अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में चले गए हैं वो भी 5 मार्क्स के हैं और उसके ऊपर वाला हिस्सा भी आपका 5 मार्क्स का ही है ठीक है ये तो दिस इज ऑल 15 मार्क्स Now we will move towards a part of comprehension. अब ये जो comprehension है इसके आपको directly जो answers है वो दिए हुए बहुत ज्यादा चीजें उसमें नहीं बताई गई है Okay, तो this you need to study, आपको इसको read करना है पूरा then only it will be solved. तो again ये हम लोग separate part में करेंगे जिसमें हम comprehension उसका solution प्लस उसका जो पार्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग है दैट वी विल डू तो इसमें लिखा हुआ है अब सबसे पहले स्टेटमेंट की फाइंड अ सिंगल वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट विल एग्जैक्टली रिप्लेस अ अंडरलाइन वर्ड और वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस देखो इसमें दिया हुआ है एक स्टेटमेंट दिया है आपको उसकी मीनिंग दी हुई है समझो इसको कि क्वेश्चन में एक वर्ड है मुझे उस वर्ड की मीनिंग दी हुई है और मुझे कॉम्प्रिहेंशन से वो वर्ड ढूंढ के निकालना है ओके So the kind stranger fetched the ball. Went and got back means fetched the ball. Phir, I took offense at the expression on his face that was clearly meant to insinuate, matlab imply. And last one is, ye 3 marks ka hai, this is of 3 marks. Last one is, the firm experienced a financial loss when the contract went to the contender who had just entered the business so contender will be termed as rival फिर दूसरा हिस्सा दिया हुआ है अब ये जो पार्ट है बेहद कंफ्यूजिंग होता है ठीक है बट स्टिल आप उसको समझ पाओगे तो यू विल डेफिनेटली डू इट अब इसमें लिखा हुआ है कि ईच वर्ड के लिए यू हैव टू चूज अ करेक्ट सेंटेंस जिसमें सेम वर्ड है जो ये वाला वर्ड है सेम वर्ड है अनचेंज इन स्पेलिंग बट विद अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम विच इट कैरी इज अ पैसेज ठीक है तो अलार्म का एक मतलब होता है शॉक
जो यहाँ पर यूज हुआ है, इसमें जो है द साइलेंस फ्रॉम द अदर एंड सेट ऑफ अलार्म बेल्स, जगा देने की जो बेल्स होती है यहाँ पर उसकी बात की गई है, इसकी बात नहीं की गई है, इसकी बात की गई है, तो ये नहीं होगा. द पालर द पैलर ऑफ हिज स्किन अलार्म्ड अगेन शॉक्ड है. आई सेट माई अलार्म फॉर 6 o'clock एंड द साउंड फॉर अप्रोचिंग जेट्स कॉज्ड सम अलार्म. ये तीनों चीजें समथिंग लाइक शॉक से रिलेटेड है, ये वाला जो है ये जगाने से रिलेटेड है. ठीक है, अलार्म बेल्स, तो ये वाला होगा, दिस वन विल बी द पार्ट ऑफ आई सेट माई अलार्म मीन्स की हाँ समथिंग जो आपको जगा देगा वो इसमें यूज होगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. फिर सेकेंड इसमें दिया हुआ है विकेट, द विकेट कीपर, जब आपकी स्पेलिंग ही चेंज है तो आप हटा दो उसको. द टीम वॉन्टेड टू बैट द विकेट वाइल द विकेट वॉज ड्राई, वो जो थ्री स्टम्प्स होते हैं उसकी यहाँ पर बात की गई, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. क्योंकि पैराग्राफ में जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो विकेट को वहां पर एक स्मॉल छोटे से डोर के जैसा बोला गया है, ठीक है, जो जिसकी बात यहाँ नहीं की गई है, कॉम्प्रिहेंशन में की गई है, यहाँ पर नहीं की गई है. द मैन एट द विंडो हैंडेड अस टिकट्स, टिकट काउंटर होता है उसमें छोटे से डोर बना होता है उससे होता है, वैसे कर वही सेम चीज यहाँ पर विकेट के लिए यूज की गई है कॉम्प्रिहेंशन में. एंड द क्विक लॉस ऑफ विकेट्स डिमोरलाइज्ड द टीम, और विकेट्स यहाँ पर किसकी बात की गई है, जितने भी प्लेयर्स थे खेलने वाले. फिर नेक्स्ट वन, तो इसमें रीजन दो चीजें दी होती, एक कोई लॉजिकल स्टेटमेंट और एक किसी चीज का रीजन देना, ठीक है. रीजन देना क्योंकि वाला जो आंसर होता है, बिकॉज वाला, उसको बोलते हैं, मुझे बताओ कि ये क्या होता है हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं. तो आफ्टर द ट्रेजेडी हिज एबिलिटी टू रीजन इज सीवियरली डिमिनिश द रीजन, ये तो नहीं होगा. रेसिपियंट्स ऑफ फंड्स वर सिलेक्टेड विदाउट राइम और रीजन, और वी हैव एवरी रीजन टू सेलिब्रेट, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो ये वाला होगा. फिर क्वेश्चंस आर गिवन, क्वेश्चंस की आपको स्टेटमेंट्स भी दी हुई है लास्ट में, ठीक है, दैट विल बी डन इन द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन जब हम इसको रीड करेंगे, और प्रेसी भी यहाँ पर दी हुई है, तो हम इसका डायरेक्टली जो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है वो पढ़ लेते हैं. देखो आंसर कीज दिए हुए हैं ऑफ योर फंक्शनल ग्रामर, हाफ ऑफ मार्क्स के ये है प्रेपोजिशन, हाफ ऑफ मार्क्स के आपका ये वर्ब फॉर्म है, और वन वन मार्क्स का ट्रांसफॉर्मेशन है. ठीक, कैंडिडेट्स को जो दे आर सपोज टू राइट द करेक्ट ऑप्शन और द सेंटेंस गिवन अगेन द करेक्ट ऑप्शन. आप चाहो तो ये लिख सकते हो या फिर पूरा पूरा सेंटेंस लिख सकते हो जो आपको सही लगे, और इसमें आपको आंसर्स को ब्रीफली लिखना है जिसमें आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यहाँ पर दिए हुए हैं. तो देयर इज नथिंग दैट आई शुड डिस्कस इट हियर, ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन सेड. ये होता है सबसे लास्ट में प्रेसी राइटिंग. प्रेसी राइटिंग में करना तो आपको इसको एग्जैक्टली ऐसे ही है, हम इससे पहले जब यूजुअली हम करवाते हैं तो आई लेट स्टूडेंट्स मेक की पॉइंट्स, रफ ड्राफ्ट, और उसके बाद ये वाला फेयर ड्राफ्ट, सो दैट आपके जो आंसर है वो एग्जैक्ट 100 words में आ जाए. तो प्रेसी राइटिंग में आपकी एक लिमिट होती है 100 words की, और उसमें आपको एक स्पेसिफिक पैसेज दिया होता है. सबसे पहले तो ग्रिड में बनाना होता है, स्पेसिफिक पैसेज दिया होता है यहाँ पर, रुको पैसेज दिखाते हैं तुम लोगों को सबसे लास्ट वाले हिस्से में. ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है इसके बाद देखो इसमें लिखा हुआ है सब प्रेसी राइटिंग में दैट समराइज व्हाई द नरेटर डिसाइडेड टू बैंक नो मोर पैराग्राफ्स. कहां से लेना है, 6 to 10 पैराग्राफ से इसको लेना है. समरी लिखना है कनेक्टेड पैसेज के फॉर्म में 100 words की, और अगर आप वर्ड लिमिट को क्रॉस करोगे तो इट विल बी पेनलाइज. तो 6 to 10 पैराग्राफ ये देख रहे हो, ये जो पैराग्राफ्स होते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग 10th पैराग्राफ मेरा ये वाला हो गया और 6th पैराग्राफ ऊपर वाला हो गया. तो यही चीजें इसमें आपको करनी है कि व्हेनेवर इट इज गिवन फ्रॉम अ पैराग्राफ, तो यहां से लेकर के वहां तक के पैराग्राफ्स ही आपको इसमें करने हैं.
और लास्ट में इसी का ही जो है वो सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, दैट इज प्रेसी राइटिंग सॉल्व दी हुई है, आपको सिर्फ उसको रीड करना है, एंड दिस विल बी डन ओनली, ये आपको ये तब समझ में आएगा जब आप खुद उस पैसेज को पढ़ोगे। और इसमें स्पेसिफिकेशन दिए हैं कि ग्रिड में होनी चाहिए प्रेसी, और वर्ड लिमिट जो है एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगेन राइटिंग पोर्शंस प्लस कॉम्प्रिहेंशन वी विल बी डूइंग इट सेपरेटली, एकदम अलग 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 उसको करेंगे, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दैट मोर, आपको ज्यादा वो चीज समझ में आए। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेस। वी विल बी डूइंग लिटरेचर ऑल्सो सून, एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनका भी थोड़ा सा भला करो, विद योर फ्रेंड्स, विद योर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप स्टडींग, बेस्ट विशेस, थैंक यू।